Hey all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिपिड के साथ। हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया बायो मॉलिक्यूल्स के, अभी हमने ऑलमोस्ट चार पार्ट कंप्लीट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स और बायो मॉलिक्यूल्स की जो भी बेसिक चीज़ें थी वो सब हम लोग ने कंप्लीट कर दी। अब बाकी हमारी दो चीज़ें, एक लिपिड, तीन चीज़ें, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स। अभी हम लोग करेंगे लिपिड के साथ। तो लिपिड एक्चुअली क्या होता है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ लिपिड करेंगे और सब टाइप्स ऑफ लिपिड के थोड़ा बहुत हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है, वो हमारा लिपिड कंप्लीट होगा। तो लिपिड सबसे पहली बात क्या होता है, अगर लिपिड को हम लोग साधारण भाषा में लिखना चाहें तो फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, जिसमें ग्लिसरॉल भी हो सकता है और हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल भी हो सकता है। ये सबको पता होगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल या फैटी एसिड प्लस अल्कोहल इज लिपिड। तो एक्चुअली में लिपिड क्या होता है, लिपिड में क्या होता? सबसे पहली बात, एक फैटी एसिड होगा, दूसरा अल्कोहल होगा। अल्कोहल या तो ग्लिसरॉल हो सकता है या तो कोई भी दूसरा हायर मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल भी हो सकता है, जो कि दोनों कंबाइन करेंगे तो फाइनली क्या बनेगा, लास्ट में ईस्टर बनेगा। समझे, एक फैटी एसिड और दूसरा कोई एक अल्कोहल, जब दोनों कंबाइन करते हैं तो एक ईस्टर बनता है। देखो एक्चुअली में ईस्टर कैसा होता है, ऐसा होता है, हमको क्या करना है, अल्कोहल को फैटी एसिड के साथ कंबाइन करना है तो क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। समझ रहे हो, मैंने क्या किया, अल्कोहल और फैटी एसिड को कंबाइन किया तो ईस्टर बना। कैसे, अगेन H2O को बाहर निकाल के, कुछ नहीं इसका। मैं अभी तो मैं बहुत बेसिक बता रही हूँ कैसे बना, एक अच्छे से स्ट्रक्चर के साथ, ग्लिसरॉल एंड ऑल के स्ट्रक्चर के साथ बताऊंगी। अभी सिर्फ लिपिड समझ में आए उतना ही बताती हूँ। देखो मैंने क्या किया, अल्कोहल और फैटी एसिड को कंबाइन किया तो क्या बना मेरा, ईस्टर बना, तो वो लिपिड भी वैसे ही बनता। तो लिपिड इज द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल, बस इतना ही लिख दो इसको। जो मैंने इधर लिखा है बस उसी को इंग्लिश में बोल दिया और कुछ नहीं बोला। लिपिड इज एन ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल, OL यानी अल्कोहल, इतना समझे। दूसरी बात, ईस्टर में क्या क्या हो सकता है, ईस्टर में हो सकता है कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। कार्बन है, ऑक्सीजन है और इसमें हाइड्रोजन भी हो गई, मतलब इसमें नहीं तो कोई CH3 अगर इधर है इसकी जगह तो हाइड्रोजन तो है ही ना, R की जगह पे कोई तो हाइड्रोजन होगा। तो ये तीन कार्बन से बना होता है, जिसमें ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, मतलब ऑक्सीजन थोड़े से कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन और हाइड्रोजन के, ठीक है। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात लिपिड की ये है कि लिपिड इज वाटर इनसॉल्युबल, तो किस में सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, बेंजीन, एसीटोन, ये सब चीज़ों में सॉल्युबल है। इसका मतलब पोलार सॉल्वेंट, वाटर इज अ पोलार सॉल्वेंट, तो उसमें इनसॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी नॉन पोलार सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है। ऑब्वियसली लिपिड, अब आपको पता होगा लिपिड सेल मेम्ब्रेन का होता है, बायलिपिड लेयर,
तो उसमें पानी थोड़ी जा सकता है, तो वो सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट को ही जाने दे सकते हो। तो आप उससे कंपेयर करके ये याद रख सकते हो कि वाटर इनसॉल्यूबल चीज़ों को ही जाने, वाटर इनसॉल्यूबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो वाटर को नहीं जाने देती है, वो सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को ही जाने देती है, ऐसे आप याद रख सकते हो। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे लिपिड के कितने टाइप्स होते हैं, वो तब पढ़ेंगे जब हम इसको रब कर देंगे। तो आप इसको पहले लिख दो। सिर्फ मैंने 3 पॉइंट बताए कि लिपिड क्या है, क्या क्या उसके कंस्टिट्यूएंट्स है और किस में सॉल्यूबल है। ये जो मैंने बताया सबसे सिंपल काइंड ऑफ लिपिड्स ऐसे होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी आ सकते हैं, या फॉस्फोराइलेटेड या कुछ और दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ वैसे लिपिड भी आ सकते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ ये बेसिक वाला याद रखो। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से लिपिड प्रेजेंट होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ लिपिड है। सबसे पहला है सिंपल लिपिड, दूसरा है कॉन्जुगेटेड लिपिड, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट डिराइव्ड लिपिड। ये सब क्या क्या है देखो, सिंपल लिपिड वो है जो एकदम सिंपल है, कॉन्जुगेटेड लिपिड वो है जो सिंपल नहीं है। सबसे पहले डिराइव्ड को बोल के ख़त्म कर दीजिए। डिराइव्ड वो है जिसका स्ट्रक्चर इज नॉट लाइक लिपिड, मतलब एक जो टिपिकल लिपिड होता है वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इट फंक्शंस लाइक अ लिपिड, फंक्शन वही होता है जो लिपिड का होता है। ठीक है, सिंपल लिपिड में क्या क्या चीज़ें आती है जो एकदम सिंपली बने होता है, फैटी एसिड और कोई भी अल्कोहल के, तो जैसे हुआ न्यूट्रल फैट, वैक्स, क्यूटिन, सुबेरिन, एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो ये सब चीज़ें सिंपल में आती है। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या, कि लिपिड के साथ कोई और भी कंपाउंड या और भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड, मतलब लिपिड तो है ये, साथ में कार्बोहाइड्रेट ग्रुप भी है। दूसरा फॉस्फोलिपिड, मतलब लिपिड है साथ में फॉस्फेट ग्रुप है। तीसरा क्रोमोलिपिड होता है, और लाइपोप्रोटीन, मतलब प्रोटीन के साथ लिपिड। तो ये सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंपल लिपिड के साथ चालू करते हैं। मैं वैसे वापस बता देती हूँ, लिपिड 3 टाइप के होते हैं, एक सिंपल, एक कॉन्जुगेटेड, एक डिराइव्ड। सिंपल लिपिड एकदम सिंपल, कोई भी फैट, वैक्स, क्यूटिन, सुबेरिन, ये सब जो होते हैं वो सिंपल लिपिड होते हैं। कॉन्जुगेटेड का मतलब लिपिड के स्ट्रक्चर के साथ साथ कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा है, क्या वो फॉस्फेट हो सकता है या ग्लाइकोजन या फिर प्रोटीन, कुछ भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट लिपिड प्लस समथिंग एल्स इज कॉन्जुगेटेड लिपिड। डिराइव लिपिड वो होते हैं जो स्ट्रक्चर जिनका नहीं होता है लिपिड जैसा, लेकिन वो फंक्शन कैसा करते हैं, लिपिड की तरह फंक्शन करते हैं। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ सिंपल लिपिड। लेट्स स्टार्ट विथ न्यूट्रल फैट। सिंपल में न्यूट्रल फैट यानी सिंपल लिपिड। तो इसमें क्योंकि ये बहुत सिंपल है इसलिए इसमें क्या क्या होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, बस ये बन जाएगा हमारा न्यूट्रल फैट। कुछ भी हार्ड नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल है। दूसरा इसको बोलते हैं ग्लिसराइड्स, ठीक है। इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले ग्लिसरॉल बनाती हूँ, ग्लिसरॉल में 3 कार्बन एटम्स होंगे और तीनों पे एक एक OH जुड़ा होगा, तो ये क्या है, ग्लिसरॉल, या फिर इसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसका IUPAC नेम, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, नीट 2022 में, कि ग्लिसरॉल को ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन बोला था। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया था, पर हाँ PYQ में था। तो क्या किया मैंने, 3 कार्बन एटम्स, तीनों पे एक एक OH और बाकी जो वैलेंसी पूरी करनी है हाइड्रोजन से, ये है हमारा ग्लिसरॉल। अब मैं बनाऊंगी फैटी एसिड, तो फैटी एसिड अभी मैं 3 बनाऊंगी, क्योंकि फैटी एसिड क्या होना चाहिए, इधर लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ठीक है। तो R1
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दूसरा आर टू फैटी एसिड यानी मैं कार्बोक्सिल ग्रुप बनाऊंगी सी डबल ओ एच, तीसरा आर थ्री ठीक है। मैंने क्या किया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल यानी कि तीन कार्बन वाला मतलब ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बनाना है, तीन कार्बन तीनों पे OH OH और बाकी बैलेंसीज एच से पूरी करनी है। फैटी एसिड में कुछ नहीं, सिर्फ मैंने एक एसिड लिखा है R C डबल बॉन्ड O ओ एच, आर टू और आर थ्री। अब ये तीनों सेम भी हो सकता है, ये तीनों डिफरेंट भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसका एच इसका ओ एच, सॉरी उसका ओ एच इसका एच, सेम इसका भी, तो इसमें क्या किया मैंने, तीन एच टू ओ मॉलिक्यूल्स निकाल दिए, एच टू ओ एच टू ओ एच टू, तो बन गया हमारा क्या बना, लिपिड यानी कि ईस्टर। तो इसको लिखते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम, ये है हमारा ईस्टर यानी लिपिड और ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसराइड तो है ही हमको पता चल गया क्योंकि ये सारे नोन एज ग्लिसराइड्स। ट्राई क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीन फैटी एसिड यूज हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल प्लस वन फैटी एसिड तो मोनोग्लिसराइड, अगर ग्लिसरॉल प्लस टू फैटी एसिड हो तो डाइग्लिसराइड, अगर ग्लिसरॉल प्लस थ्री फैटी एसिड हो तो ट्राइग्लिसराइड, थ्री से ज़्यादा होगा नहीं क्योंकि ग्लिसरॉल के अंदर तीन ही OH होता है। अब वो छोड़ो, इधर तीन कार्बन तीन OH, इधर तीन तीन फैटी एसिड, तीनों में मैंने OH OH निकाल दिया और बाकी का जो बचा हुआ वो सिंपल मैंने उधर लिख दिया, सी एच टू ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर वन, सेम सी एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर टू, सी एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर थ्री, ये बन गया हमारा ट्राइग्लिसराइड, एकदम सिंपल। इसीलिए इसको सिंपल लिपिड बोलते हैं या फिर न्यूट्रल फैट। वंस अगेन, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल न्यूट्रल फैट बनाता है। फैटी एसिड लॉन्ग चेन होना चाहिए, यूजुअली अंडर 20 कार्बन के ही फैटी एसिड होते हैं, उससे बहुत बड़े नहीं होते। और प्लस ये है ना, स्ट्रेट चेन होने चाहिए, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, सो दिस फैटी एसिड शुड बी अनब्रांच्ड, अनब्रांच फैटी एसिड होनी चाहिए। तो ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड लेके मैंने क्या बना दिया, ट्राइग्लिसराइड और ग्लिसरॉल को बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है ट्राइग्लिसराइड ठीक है। अब ये तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर तो हो गया, अब हम फैटी एसिड की थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे इसी के अंदर, न्यूट्रल फैट के अंदर। फैटी एसिड अनब्रांच चेन जो मैंने बोला वही, वेयर कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच टू आर ग्रुप, स्ट्रक्चर तो आपको पता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसके साथ अटैच्ड है, आर ग्रुप के साथ अटैच्ड है। तो फैटी एसिड दो तरीके के हो सकते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बहुत सुना होगा जो भी वो डाइटिंग की वीडियोस बनाते हैं उसमें बहुत ऐसे नाम लेते हैं, अभी हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि हम बात करेंगे घी की, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी हम बात करेंगे ऑयल की ठीक है। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है,
पूरी जो भी चेन आएगी हमारी कार्बन की, कहीं पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा. अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट. अब इसका मतलब ये नहीं कि हर कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर. बीच में लेकिन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी कि अनसेचुरेटेड है. ये सैचुरेटेड है, यानी सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है. घी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. इसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. तभी तो ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है. सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. और ये होती है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ये तो आप ऑयल और घी अगर इमेजिन करोगे तो अपने आप आ जाएगा. खाली इतना याद रखना, सैचुरेटेड यानी हम लोग तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है आई गेस, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है. अनसैचुरेटेड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं. तो सेम इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे. कुछ भी हार्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन ये पूरा का पूरा ध्यान से सुनना फैटी एसिड का ये डिफरेंशिएशन. वापस मैं बोलती हूँ, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज इसके एग्जाम्पल्स. इसका एग्जाम्पल है पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, एराकिडिक एसिड. या इकोसेनोइक एसिड. पाल्मिटिक एसिड कार्बन नंबर, टोटल कार्बन 16, टोटल कार्बन 18, टोटल कार्बन 20. 16, 18, 20, इवन नंबर्स. वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा ही है, ये नीट में भी पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में भी पूछा है. वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर दो. ये कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी, लर्न करवाती हूँ मैं अभी, रुक जाओ. इसके भी एग्जांपल्स हैं, क्या है ओलिक एसिड, वो इस तरफ से लिख दिया, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, स्पेलिंग देख लेना, एराकिडोनिक एसिड. इसमें कार्बन नंबर कितने होंगे टोटल, 18, 18, 18, 20. इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने होंगे, 1, 2, 3, 4. ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है. चलो अब इसको करते हैं कि करना कैसे. पाल्मिटिक एसिड, अब देखो ये सैचुरेटेड है यानी कि इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. पाल्मिटिक एसिड इसमें मैंने कितना लिखा है, कार्बन नंबर 16. तो पाल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, CH3 CH2, होल कितना होगा ये 14 COOH, हो गया 16 कार्बन डन. अगर मेरे को स्टीयरिक एसिड का लिखना हो तो CH3 CH2 होल 16 COOH, ये स्टीयरिक एसिड का, समझ रहे हो. ये किसका स्ट्रक्चर है, पाल्मिटिक, और ये स्टीयरिक. बाकी सबके स्ट्रक्चर ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके एग्जांपल्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अगर आपका कुछ लिखना बाकी है तो लिख दो, क्योंकि अब मैं समझाऊंगी तो ये बोर्ड पूरा ऐसे खिचड़ी बन जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है चलो चालू करते हैं. देखो इसमें तीन एग्जाम्पल है, पाल्मिटिक, स्टीयरिक, एराकिडिक या इकोसिनोइक एसिड. इसको आप कैसे याद रखोगे, क्या आपका जो पाम है ना, ये पाम का जो ये फैटी वाला पार्ट होता है, ऐसे तो यहाँ पे फैट इतना नहीं होता, पर लेकिन ऐसे याद रखो, फिंगर से ज़्यादा फैट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नीचे. तब जो फैट वाला पार्ट होता है ना, आप उसी से स्टीयरिंग व्हील को घुमाओगे या स्टीयरिंग व्हील पकड़ोगे, उसी से चलाओगे. और किस गाड़ी की, ईको, जो एक वैन बहुत फेमस जो है उसकी. तो
इससे आप ये सारे एग्जांपल्स याद रखोगे क्या क्या, कि सबसे पहले तो फैटी पार्ट ऑफ पाम, जो पाम का सबसे फैटी पार्ट है उसी से आप स्टीयरिंग व्हील चलाओगे, किसका, ईको का, समझे, बहुत ईजी। तो ये लिख दो ताकि आपको याद रहे, फैटी पाम, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग पूरा डिटेल में लिखो बुक में, फैटी पाम, स्टीयरिंग व्हील और इको चलाओगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, वो तो बहुत इजी है क्योंकि सारे इवन नंबर्स हैं, 16, 18, 20। अब मैंने आपको पहले बोला था कि 20 कार्बन से ज़्यादा लंबे, बट 20 कार्बन से ज़्यादा कार्बन नहीं होते हैं इस चेन में, तो इतना तो सिंपल है कि 20 होने चाहिए। प्लस मैंने ये भी बोला था कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, तो छोटे तो होंगे नहीं, मतलब ज़्यादा 1, 2, 3, 4 कार्बन वाले तो हम बढ़ेंगे नहीं, उसका क्या फ़ायदा पड़ने का। तो हम क्या करेंगे, 16, 18, 20 के नीचे वाले जितने भी इवन नंबर्स है वो तीनों इसमें आएंगे। तो पाल्मिटिक एसिड का 16 कार्बन, स्टीयरिक एसिड का 18 कार्बन और एराकिडिक एसिड का 20 कार्बन। वेरी इंपॉर्टेंट इसमें, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाल्मिटिक एसिड भी पूछा था PYQ में। तो इन शॉर्ट एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके भी प्लस इसके भी, तो इसके अगर हो गए तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में 4 एग्जाम्पल है। अब आप इसको पढ़ोगे ना तो राइम करते करते अपने आप ही ईजिली आता हो जाएगा। पहले ओलिक, फिर लिनोलिक, फिर दोनों को ऐड करो लिनोलिनिक, और बाद में लास्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एराकिडोनिक। ये 4 एग्जाम्पल है जो है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें पहले 3 18, 18, 18 कार्बन और लास्ट वाला जो है वो 20 कार्बन का डबल बॉन्ड। जो इसका जो SR नंबर है वही सेम, मतलब 1, 2, 3, 4 डबल बॉन्ड है। जैसे मैंने बोला कि अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड है, पर कितने डबल बॉन्ड है इट विल डिपेंड। तो वैसे ओलिक में 1 डबल बॉन्ड है, लिनोनिक में 2 है, लिनोलिनिक में 3 है और एराकिडोनिक में 4 है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, 2 टाइप के फैटी एसिड होते हैं, एक सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड वो होते हैं जिसमें सिंगल ही बॉन्ड प्रेजेंट होता है और डबल बॉन्ड नहीं होता, अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी हो सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और सॉलिड है, ये तो आप घी और ऑयल से ही याद रख सकते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। इसके एग्जांपल आर 3, पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड और एराकिडिक एसिड, जिसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इकोसेनोइक एसिड। लास्ट में अनसेचुरेटेड फैटी, इसका कार्बन भूल गए, इसमें 16, 18, 20 कार्बन। उसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल ओलिक, लिनोलिक, लिनोलिनिक, एराकिडोनिक, 18, 18, 18, 20 और 1, 2, 3, 4 डबल बॉन्ड। सिंपल, एकदम बाय हार्ट हो जाता है, इतना ईजी है। इसमें ओलिक एसिड को छोड़ के यहाँ पर आपको जितने भी फैटी एसिड दिख रहे हैं वो सब एसेंशियल फैटी एसिड है, ये भी लिख दो। और एक और बात, अगर हम लोग फैटी एसिड नॉर्मली अच्छे से हमारे डाइट में नहीं लेते तो हम लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि क्या हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, स्टरिलिटी हो सकती है और स्किन डिसऑर्डर हो सकता है, स्किन डिजीज। हो सकती है, ठीक है, तो किडनी फेलियर, स्टेरिलिटी हो सकती है, इसलिए फैटी एसिड को भी इनफ लेना है। जैसे अनसेचुरेटेड का नहीं, इन जनरल फैटी एसिड अगर अच्छा अमाउंट में नहीं ले रहे हो तो फिर ऐसा हो सकता है, इसलिए फैटी एसिड भी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बस ये हमारा न्यूट्रल फैट से यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलो न्यूट्रल फैट हो गया, अब सिंपल लिपिड में हम एक ही और पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्यूटीन सुबेरिन वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम दूसरा पढ़ेंगे वैक्स, ठीक है। वैक्स क्या होता है, वैक्स वो होता है जो होता है बी वैक्स, जो हम लोगों को सबको पता है। दूसरा एक एग्जाम्पल है लेनोलिन, अब आपने जो अभी पढ़ा था वो लिनोलिक लिनोलिनिक है, ये लेनोलिन है, तो ये डिफरेंस याद रखना पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें क्या होता है, फैटी एसिड तो ठीक है, हमने न्यूट्रल फैट में क्या पढ़ा था, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इसमें हम देखेंगे फैटी एसिड प्लस सम अदर अल्कोहल, लॉन्ग चेन अल्कोहल, लॉन्ग मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल, वो बनेगा हमारा वैक्स। अब सबसे पहले हम बी वैक्स देखते हैं। इससे पहले वैक्स का फंक्शन क्या होता है, देखो वैक्स क्या करेगा, एक प्रॉपर एक कोटिंग बनाता है, किसके ऊपर कोटिंग बनाता है, कोई भी एनिमल के ऊपर,
कर सकता है, कोई भी स्टेम के ऊपर कर सकता है, कोई भी लीफ के ऊपर कर सकता है, कोई भी फ्रूट के ऊपर कर सकता है। तो इसीलिए इसका अल्टीमेट फंक्शन क्या हुआ, क्यों कोट कर रहा है ना क्योंकि, तो इसलिए ये फंक्शन क्या करेगा, प्रोटेक्शन। क्या हुआ इसका फंक्शन, प्रोटेक्शन। अगर ये कोटिंग करेगा इसका मतलब वो उस चीज़ को बचाना चाहता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बी वैक्स की। बी वैक्स में क्या होता है, अगेन फैटी एसिड प्लस अल्कोहल होगा, तो एक फैटी एसिड कौन सा होगा, पाल्मिटिक एसिड। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, पाल्मिटिक एसिड कौन सा होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। प्लस इसके साथ होगा अब मैं इसको पढ़ती हूँ मिरेकल अल्कोहल, मतलब बीज के अंदर ऐसा कुछ मिरेकल होता है जिससे ये लोग बी वैक्स बनाते हैं। तो एक तो पाल्मिटिक एसिड प्लस मिरेकल अल्कोहल, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बी वैक्स। पर बी वैक्स का भी एक नाम है, हेक्साकोसाइल पाल्मिटेट। ये कौन बनाता है, वर्कर बीज बनाती है, क्वीन भी तो कुछ नहीं बनाएगी, वो तो टाइम पास करेगी, तो वर्कर भी बनाएगी, टाइम पास नहीं मतलब क्वीन, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। पाल्मिटिक एसिड और मिरेकल अल्कोहल, ये मैं ऐसा बोलती हूँ, तो क्या बनाएगा, हेक्सोसाइल पाल्मिटेट जो कि वर्कर भी बनाती। ठीक है, इतना था बी वैक्स में। दूसरा लेनोलिन, लेनोलिन इज अ ये क्या होता है, एनिमल फर के अराउंड वैक्स लेयर की कोटिंग करता है, तो ये वूल फैट हुआ, एनिमल फर के अराउंड कोट करता है, देयरफॉर इट इज नोन एज वूल फैट। दूसरा एक और होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि क्या कॉज करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, वो बैक्टीरिया वो पैरासाइट होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं इंसान में, तो फिर उसको पैरासाइट बोलते हैं। तो ये भी वैक्स सिक्रीट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्स डी। ठीक है, सिर्फ इसमें सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हैं, आ सकते हैं। तो क्या क्या बोला, वर्कर्स कहाँ से आया, वैक्स में बी वैक्स हो सकता है, लेनोलिन हो सकता है। इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल की जगह कोई भी हाई मॉलिकुलर वेट अल्कोहल हो सकता है। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का, यानी कि वो कोई भी कोट करेगा कोई भी सरफेस को, वो एनिमल हो सकता है, वो कोई भी प्लांट हो सकता है, स्टेम ट्री लीव्स जो भी है, फ्रूट कुछ भी हो सकता है। तो बी वैक्स किससे बनता है, पाल्मिटिक एसिड और साथ में मिरेकल अल्कोहल जो कि क्या बनाता है, हेक्सोकोसाइल पाल्मिटेट, जो कि किस कौन बनाता है एक्चुअली, ये बी वैक्स कौन बनाता है, वो वर्कर बीज होती है जो इतनी मेहनत करके बी वैक्स बनाती। लेनोलिन ये एनिमल फर के अराउंड जो कोटिंग होती है उसको बोलते हैं लेनोलिन। और ट्यूबरक्लोसिस लेप्रोसी जो कॉज करते हैं, वो बैक्टीरिया जो वैक्स सिक्रीट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैक्स डी। दैट्स इट, ये हमारा सारा सिंपल लिपिड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जुगेटेड लिपिड, यानी कि लिपिड के साथ कोई दूसरी और चीज़ जो अटैच हो, दैट इज कॉन्जुगेटेड लिपिड। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉन्जुगेटेड लिपिड। कॉन्जुगेटेड लिपिड थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम चालू करते हैं फॉस्फोलिपिड से, मतलब लिपिड में कहीं तो फॉस्फेट ग्रुप छुपा हुआ है, कहाँ पे छुपा हुआ है वो हम देखते हैं। सबसे पहले ग्लिसरॉल बना दो, ट्राई हाइड्रोक्सीप्रोपेन, कुछ प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी फैटी एसिड, दो ही फैटी एसिड बनाऊंगी इसमें, मैं तीन नहीं बनाऊंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड है, मतलब तीसरी फैटी एसिड की जगह पे मैं क्या बनाऊंगी, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, नॉर्मल ग्लिसरॉल, नॉर्मल फैटी एसिड ये दोनों प्लस ये फॉस्फेट ये ले लिया। तो अब मैं क्या करूँगी, H2O निकालूंगी, तीनों मतलब टोटल तीन H2O निकले। ठीक है,
ठीक है, तीन एच टू ओ निकले, तो अल्टीमेटली क्या बना, ये सी एच टू सी ओ ओ आर वन, कोई प्रॉब्लम इसमें, सी एच टू सी ओ ओ आर वन, ठीक है. नेक्स्ट सी एच सी ओ ओ आर टू, सेम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट सी एच टू, अब जो पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच जो है उसकी जगह मैं सिर्फ फॉस्फेट का पी ऐसे लिखूंगी, चलेगा? ठीक है, चलाना ही पड़ेगा. तो ये हुआ हमारा फॉस्फोलिपिड, क्या है ये, फॉस्फोलिपिड. क्या किया मैंने, ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड और एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया, तो हमारा बन गया फॉस्फोलिपिड. कुछ नहीं किया, ये सिंपल था, बस ऐसे हमारा फॉस्फोलिपिड बनता है. पर इसमें भी अभी कुछ मॉडिफिकेशन हो सकती है. तो दो टाइप के फॉस्फोलिपिड होते हैं, मतलब मैं बताती हूँ, एक लेसिथिन, मतलब दो एग्जांपल, और एक सिफेलिन. लेसिथिन में क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड प्लस कोलीन होता है, लिख देती हूँ, इधर ही लिख देती हूँ, फॉस्फोलिपिड प्लस कोलीन. इसमें फॉस्फोलिपिड प्लस इथेनॉल अमाइन, ऐसा बहुत मिक्स हो रहा होगा, रुक जाओ मैं इसको पूरा वापस बताती हूँ. खाली आप ये समझ लो फॉस्फोलिपिड कैसा बना, वो समझ में आया, ग्लिसरॉल लिया, दो फैटी एसिड लिया, फॉस्फेट लिया, फॉस्फोलिपिड बना, बस इतना समझो. नेक्स्ट अभी इसके दोनों एग्जांपल्स पे बढ़ते हैं. चलो, तो फॉस्फोलिपिड कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का, एक लेसिथिन हो सकता है और एक होता है सिफेलिन, मतलब दो टाइप का नहीं, इसके दो एग्जांपल्स, वो ज़्यादा सही लगेगा. तो लेसिथिन कैसे बना होता है, फॉस्फोलिपिड प्लस कोलीन, यानी कि पहले तो फॉस्फोलिपिड बना लो, सी एच टू सी डबल ओ आर वन, ये तो नॉर्मल है, सी एच सी डबल ओ आर टू, ये भी नॉर्मल है, सी एच टू ओ फॉस्फेट, ये पूरा हमारा क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया. अब हमको इसमें क्या ऐड करना है, कोलीन ऐड करना है, और कोलीन क्या होता है, सी एच टू सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, ये है हमारा कोलीन, दो सी एच टू, फिर नाइट्रोजन, और फिर तीन सी एच थ्री, और ये पूरा क्या है, फॉस्फोलिपिड. समझे कि नहीं समझे, कंफ्यूजिंग लग सकता है पर आप समझो तो नहीं है. पहले तो हम लोग लिपिड पढ़ रहे हैं, लिपिड भी कॉन्जुगेटेड है जिसके अंदर ऑलरेडी फॉस्फेट ऐड है. अब मैंने उसमें भी और थोड़ा ट्राई किया कुछ ऐड करने का, जो कि था कोलीन, तो कोलीन प्लस फॉस्फेट प्लस लिपिड, तो ये बना हमारा लेसिथिन. समझे इतना, कोलीन का स्ट्रक्चर ऐसा, सी एच टू सी एच टू और एन, फिर सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, और ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको भी बता दिया. तो ये हुआ लेसिथिन. पहले इसका फंक्शन बता दूँ, फिर उसके बाद सिफेलिन पे बढ़ते हैं. लेसिथिन कहाँ पे होता है, ये होता है एल्वियोलाई में या एल्वियोलर सैक में. इसका फंक्शन क्या होता है, रिड्यूस सरफेस टेंशन, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो जब सांस छोड़ देते हैं तो सारी हवा तो बाहर चली जाती है, लेकिन सारी हवा बाहर जाने के बाद भी जो लंग है, जो एल्वियोलाई है, ऐसे छटाक करके ऐसे पूरा कोलैप्स हो ऐसे क्यों नहीं हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर लेसिथिन होता है. लेसिथिन की वजह से एक सरफेस टेंशन रिड्यूस होता है, और जब सांस हम लोग छोड़ते हैं, जब एक्सपायर करते हैं, तो एकदम ऐसे थप करके पूरा चपटा या ऐसे कोलैप्स नहीं हो जाता, तो फिर इट विल प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वियोलर सैक. तो इसलिए इट विल मोर प्रिसाइसली इट विल रिड्यूस द सरफेस टेंशन. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ लेसिथिन. लेसिथिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, फॉस्फोलिपिड प्लस कोलीन. नेक्स्ट इज सिफेलिन. सिफेलिन के स्ट्रक्चर में क्या आएगा, फॉस्फोलिपिड तो होगा ही क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं, प्लस इथेनॉलामाइन. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं. फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर अब तो सबको आता है, सी एच टू सी ओ ओ आर वन,
सी एच सी ओ ओ आर टू, ये तो सेम है, इधर भी सेम सी एच टू ओ और फॉस्फेट, इतना तो है ही फॉस्फोलिपिड। अब प्लस इथेनोलामाइन यानी कि सी एच टू सी एच टू एन एच टू, बस कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये इथेनोलामाइन है और ये फॉस्फोलिपिड है। सिफेलिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन एंड ब्लड ब्रेन एंड ब्लड प्लेटलेट्स। हाँ बहुत फंबल हो गया। ब्रेन में और प्लेटलेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है सिफेलिन। लेसिथिन कहाँ पे होता है? एल्वियोलर सैक में। इंपॉर्टेंट है, लेसिथिन का फंक्शन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ लेसिथिन और सिफेलिन। अब एक और चीज़, जैसे ये ग्लिसरॉल है, ये इसी का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। तो ग्लिसरॉल के साथ यहाँ पे दो फैटी एसिड जुड़े, ऊपर क्या है यहाँ पे, ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, और इसके ऊपर क्या जुड़ा है, कोलीन। एक काम करती हूँ, इरेज करके फिर से बनाती हूँ। अगर ये लिख लिया है तो लिख, ठीक है, नहीं तो नहीं लिखा है तो लिख दो, तो क्योंकि मैं वो वाला पूरा इरेज कर देती हूँ। फिर से बता देती हूँ, फॉस्फोलिपिड दो एग्जांपल है, लेसिथिन सिफेलिन, फॉस्फोलिपिड प्लस कोलिन, फॉस्फोलिपिड प्लस इथेनोलामाइन। तो कोलिन है तो कोलिन का स्ट्रक्चर ये है CH2 और N के साथ 3CH3, और इथेनोलामाइन तो हम लोगों को पहले से ही पता है, इतना तो केमिस्ट्री हमको आती ही है। ये इंपॉर्टेंट अल्वियोलर सैक के अंदर प्रेजेंट होता है, डिक्रीज सर्फेस टेंशन जिससे लंग कोलैप्स नहीं होती, और ये ब्रेन और ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, एक ग्लिसरॉल है, जो ग्लिसरॉल है उसके साथ हमने क्या किया था, फिर मैंने ऊपर बहुत बना दिया। ग्लिसरॉल है उसके साथ हमने क्या किया था, दो तो फैटी एसिड थे, ये तो सबको पता है, लेकिन एक फैटी एसिड की जगह क्या था, फॉस्फेट। ये दिख रहा है, दो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ, और ग्लिसरॉल के साथ तीसरा क्या है, फॉस्फेट, और फॉस्फेट के साथ यहाँ पर क्या है, कोलिन। इतना समझे? तो जो फैटी एसिड वाला जो पार्ट है, ये है नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर टेल, और ये पोलर हेड। क्योंकि फैटी एसिड तो नॉन पोलर हुए, और ये जो कोलीन और फॉस्फेट ऐड हुआ तो ये पोलर हो गया। तो इसीलिए इसका जो लेसिथिन का स्ट्रक्चर है, इसमें नॉन पोलर टेल और पोलर हेड होता है। इससे हम कंप्लीट करते हैं हमारा फॉस्फोलिपिड का पूरा पार्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्फिंगोस लिपिड, ये मैंने लिस्ट में नहीं डाला था, तो आप डाल सकते हो, और साथ में ही हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलिपिड को भी। मतलब पहले मैं स्फिंगोलिपिड कंप्लीट करवाती हूँ। तो स्फिंगोलिपिड, इसमें क्या होगा, फैटी एसिड होगा प्लस हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल होगा, और उसको हम लोग बोलेंगे स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन इम्पॉर्टेंट, यानी कि अमाइनो अल्कोहल। ठीक है, फैटी एसिड के साथ स्फिंगोसिन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्फिंगोलिपिड। सिंपल, लिपिड के साथ स्फिंगोसिन, यानी लिपिड, उसके साथ क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाइनो अल्कोहल। तो अगर मैं फैटी एसिड प्लस फिंगोसिन प्लस फॉस्फेट प्लस कोलीन लूँ, ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल मतलब ऐसा सच में है, तो उसको बोलते हैं सेरिब्रोसाइड। ये सेम स्ट्रक्चर पूरा का पूरा लेसिथिन का होता है, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर स्फिंगोसिन की जगह ग्लिसरॉल होता है, उसमें भी फैटी एसिड था, ग्लिसरॉल था, फॉस्फेट था, कोलीन था, सेम, बस ग्लिसरॉल की जगह मैंने स्फिंगोसिन लिख दिया, यानी अमाइनो अल्कोहल लिख दिया, तो वो सेरिब्रोसाइड हो गया। अब इस सेरिब्रोसाइड के अंदर
ग्लूकोज भी ऐड हो सकता है, ग्लूकोज एज अ शुगर, या फिर इस सेरिब्रोसाइड के अंदर गैलेक्टोज भी ऐड हो सकता है, ठीक है। अगर ग्लूकोज ऐड हो तो ग्लूकोज सेरिब्रोसाइड, और अगर गैलेक्टोज ऐड हो तो सेम गैलेक्टो सेरिब्रोसाइड, सिंपल, ठीक है। स्विंगोसिन, स्विंगोलिपिड में इंपॉर्टेंट है स्विंगोसिन, जिसको बोलते हैं अमाइनो अल्कोहल। और लेसिथिन में ग्लिसरॉल की जगह पर अगर हम स्विंगोसिन रख दें तो वो सेरिब्रोसाइड माना जाएगा, जो कि ब्रेन टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या ब्रेन टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है? सेरिब्रोसाइड नहीं, ये दोनों ग्लूको एंड गैलेक्टो सेरिब्रोसाइड आर प्रेजेंट इन ब्रेन टिश्यू। और दिस कैन ऑल्सो कॉज गॉशर्स डिजीज, which means accumulation of cerebroside. ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्फिंगोलिपिड। नेक्स्ट हम लोग अगर आएंगे ग्लाइकोलिपिड पे, तो ग्लाइकोलिपिड पे क्या होता है, इसमें भी स्फिंगोसिन का फंक्शन है। एक फैटी एसिड प्लस कोई भी शुगर जैसे कि गैलेक्टोज या ग्लूकोज प्लस स्फिंगोसिन, बस, तो ये हमारा बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड। मतलब हमको क्या करना था, ऐड शुगर करना था लिपिड के अंदर, और लिपिड में एक और मॉडिफिकेशन है यहाँ पे स्फिंगोसिन यानी कि अमाइनो अल्कोहल। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि कॉन्जुगेटेड लिपिड में है ना बहुत सारे है ना मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। हम लोग ने अभी लेसिथिन सेफेलिन पढ़ा, तो उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन था, उसमें था फैटी एसिड ग्लिसरॉल फॉस्फेट कोलिन, सेफेलिन में फैटी एसिड ग्लिसरॉल फॉस्फेट और इथेनॉल अमाइन, स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोलिपिड में सेरिब्रोसाइड में क्या होता है, फैटी एसिड स्फिंगोसिन फॉस्फेट कोलिन, तो वो सेरिब्रोसाइड। उसके अंदर गैलेक्टोज ऐड करो तो गैलेक्टोज, और ग्लूकोज ऐड करो तो ग्लूकोज। अब बचा ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड में फैटी एसिड होगा, शुगर होगा, ऑब्वियसली ग्लाइको में शुगर ही आएगा ना, और स्फिंगोसिन होगा, तो वो बना हमारा ग्लाइकोलिपिड। दीज आर प्रेजेंट इन माइलिन शीट। ठीक है, तो ये हमारा ग्लाइकोलिपिड कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइपोप्रोटीन पे। चलो लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन किससे बना होगा, ऑब्वियसली लिपिड और प्रोटीन, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। अगेन इसमें क्या होगा, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड होगा और उसके साथ साथ प्रोटीन भी होगा। ये प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन्स पे, कोई भी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, प्लस ये दो टाइप का हो सकता है लाइपोप्रोटीन, एक HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। फुल फॉर्म लिख देती हूँ, हाई डेंसिटी लाइपो प्रोटीन, मैं लिख रही हूँ तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा, इधर लो डेंसिटी लाइपो प्रोटीन, ठीक है। हाई डेंसिटी लाइपो प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, ये करेगा मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मेटाबॉलिज्म करेगा किसका, कोलेस्ट्रॉल का, किस में, लिवर में, क्या ये रहने दो, सिर्फ इतना याद रखो मेटाबॉलिज्म कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करेगा, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब एक मेटाबॉलिज्म कराता है और एक डिपोजिशन कराता है, तो ये आप कैसे याद रखोगे, एक डायग्राम से। HDL में जो आप डायग्राम बनाओगे उसकी जो लेयर होगी अंदर की वो एक ही होगी, यानी कि इसने क्या किया, सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल को मेटाबॉलिज्म कर दिया। और हम जो LDL में डायग्राम बनाएंगे उसमें हम जो लेयर बनाएंगे वो एक से क्या करेंगे, ज़्यादा कर देंगे। तो इस डायग्राम से हमको याद रहेगा कि नहीं 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 ये LDL का फंक्शन क्या था, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन। इसीलिए बोलते हैं कि HDL फैट्स, HDL जो होते हैं हाई डेंसिटी, वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं LDL से, ठीक है।
और ऐसे भी याद रखना पहली बात तो कि H क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो पहले एच डी एल लिखना है। यहाँ पे एल डी एल लिख के ये डायग्राम बनाओगे तो वो तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। तो लिपिड लाइपोप्रोटीन बस इतना ही हमारा खत्म हो गया। किससे बनता है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। दो टाइप का हो सकता है, एक एच डी एल, एल डी एल। एच डी एल क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म करेगा, और एल डी एल क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल का स्टोरेज, मतलब ऐसे एक्यूमुलेशन करेगा। ये हुआ हमारा लाइपोप्रोटीन खत्म। लास्ट आता है हमारा क्रोमोलिपिड। क्रोमो से क्या लग रहा है कि मतलब कुछ कलर होगा इसमें, तो बस सेम लिपिड एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ कलर, तो वो हो सकता है कैरोटीन, कोई भी पिगमेंट लिपिड प्लस पिगमेंट। तो कैरोटीन हो सकता है, विटामिन ए हो सकता है, इसमें इतना पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ एग्जांपल इज इनफ। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा फाइनली कॉन्जुगेटेड लिपिड। सिंपल कर लिया, न्यूट्रल फैट और बी वैक्स और वो लैनोलिन जो भी था, मतलब वैक्स। कॉन्जुगेटेड में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा फॉस्फोलिपिड, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे दिन से पहले पूछते हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देन उसके बाद स्फिंगोलिपिड, उसके बाद लाइकोलिपिड, उसके बाद लाइपोप्रोटीन और क्रोमोलिपिड। अब हमारा बचा एक लास्ट पॉइंट लिपिड के अंदर, जो कि है डिराइव्ड लिपिड। अब ये तो हमको पता है कि ये लिपिड तो नहीं है, ये इसके अंदर फैटी एसिड होता ही नहीं है। सो नो फैटी एसिड प्रेजेंट, बट स्टिल इसको लिपिड के अंदर रखा है, क्लासीफाई किया है। क्यों? बिकॉज इट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड। किसकी प्रॉपर्टी होगी? फैटी एसिड की प्रॉपर्टी होगी। वेरी गुड एग्जाम्पल स्टीरॉइड्स, जिसकी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। ओके, स्टीरॉइड्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो किस में आता है? डिराइव लिपिड में। अब यूजुअली फैटी एसिड नॉन ब्रांच्ड होने चाहिए, सिंगल ऐसे चेन, लॉन्ग चेन होने चाहिए, पर स्टीरॉइड्स में क्या होता है? फैटी एसिड तो होते हैं, पर लेकिन उसमें क्या होता है? फोर फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स आर प्रेजेंट। स्टीरॉइड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अगर आप देखोगे तो कार्बन की रिंग्स प्रेजेंट होती है, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट चेन और अनब्रांचिंग। तो रिंग्स तो हम लोगों को लिपिड में चाहिए ही नहीं, पर इसमें प्रेजेंट है। तो ये लिपिड एसिड स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं है, पर लेकिन इसकी प्रॉपर्टी लिपिड जैसी है। अब स्टीरॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट कॉमन स्टीरॉइड इज स्टीरॉल। मोस्ट कॉमन स्टीरॉइड इज स्टीरॉल, और मोस्ट कॉमन स्टीरॉल इज सबका फेवरेट कोलेस्ट्रॉल। तो डिराइव लिपिड का एग्जांपल क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल हुआ डिराइव लिपिड का एग्जांपल। तो कोलेस्ट्रॉल में चार बातें, सबसे पहला तो मोस्ट अबंडेंट एनिमल फैट या टिश्यू। अब मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन क्या था? कोलेजन। अब इसमें एनिमल टिश्यू में क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल, याद रखना। होल बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट क्या था? रूबिस्को। ये सब इंपॉर्टेंट है। तो कोलेस्ट्रॉल हो गया कहाँ पे? मोस्ट अबंडेंट एनिमल फैट। ये यूजुअली इसका सिंथेसिस होता है इन लिवर, प्लस हमको इसको खाने से भी मिलता है। कहाँ से मिलता है? हमको मिलता है फूड विच इज़ रिच इन एनिमल फैट, यूजुअली नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज मोस्ट अबंडेंट एनिमल फैट, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर, और ये एनिमल फैट के अंदर जो भी खाना जो विच इज़ रिच इन एनिमल फैट उसके अंदर हम लोगों को कोलेस्ट्रॉल मिलता है। और इसके अलावा कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है? लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। सो विद दिस लिपिड कंप्लीट होता है। न्यूक्लिक एसिड का भी मैं थोड़ा सा अभी पढ़ाऊंगी, मैं कंप्लीट नहीं करूंगी, लेकिन आई विल ट्राई, थोड़ा सा अभी मैं पढ़ाऊँ, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी न्यूक्लिक एसिड से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो चलो न्यूक्लिक एसिड के साथ स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड भी इम्पॉर्टेंट है, सुनना। तो दो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, एक डीएनए हो सकता है, एक आरएनए हो सकता है। डीएनए का फुल फॉर्म
ये मैंने आपको उसमें पढ़ा दिया है कार्बोहाइड्रेट में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द सेंस जेनेटिक मटेरियल, सभी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल, मोस्टली सभी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, लेकिन इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस के अंदर होता है आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। हमारे अंदर भी आरएनए प्रेजेंट होता है, पर वो जीन कोड नहीं करता, वो प्रोटीन बनाता है आगे। जैसे मैंने आपको बताया डीएनए से सेंट्रल डॉगमा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो वो उसमें हमारे अंदर आरएनए तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होता है, लेकिन जीन कौन कोड करेगा हमारे अंदर, वो डीएनए कोड करेगा, आरएनए नहीं करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, और दूसरा पॉली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है, हम डीएनए के कंपोनेंट्स को तोड़ेंगे, हमारे पास बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये साथ में मिलकर क्या बनाता है हमारा डीएनए। लेकिन न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी और दो तीन कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम लोग तोड़ते हैं। सबसे पहला तो इधर फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, और दूसरा न्यूक्लियोसाइड। अब कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए क्या है, किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का कि न्यूक्लियोसाइड का। तो पहली बात तो ये सबको याद रहता है न्यूक्लियोटाइड है, अगर नहीं याद रहता तो बहुत बढ़िया, आप ऐसे याद रखो कि न्यूक्लियोसाइड, तो ये क्या है साइड में, तो न्यूक्लियोसाइड को हम थोड़ा साइड में लिखेंगे, मेन का किसका काम है, न्यूक्लियोटाइड का काम है, जो साइड है उसको हम फॉस्फेट के साइड में रखे रहेंगे, अभी वो मेन काम नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड किन दो चीज़ों से बना होता है, वो बना होता है एक शुगर से, जो कि राइबोस भी हो सकता है और डीऑक्सी राइबोस भी हो सकता है। अगर राइबोस हुआ तो आरएनए बनेगा, डीऑक्सीराइबोस हुआ तो डीएनए बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट हो सकता है, इसको पहले इरेज कर देती हूँ। ये हमारा पूरा न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है, एक न्यूक्लियोसाइड होगा, फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या अटैच होगा, न्यूक्लियोसाइड, और ये हमारा न्यूक्लियोटाइड, इतना समझे। अब शुगर सॉरी न्यूक्लियोसाइड है, उसके अंदर भी दो चीज़ें होती है, और वो दो चीज़ें क्या होती है, एक तो शुगर मॉलिक्यूल होगा जो कि राइबोस भी हो सकता है, डीऑक्सी राइबोस भी हो सकता है, मैंने शुगर बनाया, और दूसरा क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। ये क्या बनाऊंगी अभी मैं, नाइट्रोजिनस बेस, जिसको मैं NB लिख देती हूँ, और जो शुगर है उसको मैं लिख देती हूँ S, और फॉस्फेट तो P लिखा ही है मैंने, तो ये पूरा जो बना वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा डीएनए है, डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। अब न्यूक्लियोटाइड भी और दूसरे भागों में टूटा हुआ है, एक पूरा न्यूक्लियोसाइड और दूसरा फॉस्फेट, इसमें जो एक खाली जगह बची ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से बना है। फॉस्फेट तो ठीक है मैंने अलग कर दिया, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बना दो और उसको अलग कर दो, ठीक है।
ठीक है, वो अलग हो गया. बचा हमारा न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड में भी दो चीज़ हो सकती है, शुगर हो सकता है, नाइट्रोजनस बेस हो सकता है. ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट्स पूरे हो गए. अब हम टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन सा शुगर होगा, कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा. ज़रूरी नहीं है सब में सेम, सब में सेम ही शुगर होता है, पर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से. अगर हम हैं तो हमारे अंदर DNA, तो हमारे अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा. वायरस की बात करें अगर हम, तो वायरस कुछ ऐसे भी होते हैं जो RNA होते, तो उनके अंदर यहाँ पर राइबोस शुगर होगा. नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर कोई एक होगा, इसके ऊपर कोई दूसरा होगा, उसके ऊपर कोई दूसरा, ऐसे कोई भी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हो सकता है. तो वो कौन कौन से बेस प्रेजेंट होंगे, वो या तो प्यूरीन होंगे या तो पिरिमिडिन होंगे. प्यूरीन के अंदर दो आते हैं, वो दो होंगे एडिनिन और गुआनिन, जिसको हम लोग ए और जी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये दो हो सकते हैं, एडिनिन और गुआनिन प्यूरीन के अंदर आते हैं. क्यों ऐसा, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से. नाइट्रोजनस बेस एडिनिन और नाइट्रोजनस बेस गुआनिन, ये दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे से सिमिलर होता है, तो वो जो सिमिलर स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं प्यूरीन. जो दूसरे तीन हैं, यानी कि साइटोसिन जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमिन जिसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरेसिल जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इन तीनों का स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा. वो किस पर, वो जो सिमिलर स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पिरिमिडिन. तो इसीलिए पिरिमिडिन के अंदर ये तीन सिमिलर स्ट्रक्चर वाले आते हैं और प्यूरिन के अंदर ये दो सिमिलर स्ट्रक्चर वाले आते हैं. अब एक बात ध्यान रखने की ये है कि जो थायमिन होता है वो DNA के अंदर प्रेजेंट होता है और यूरेसिल होता है वो RNA के अंदर प्रेजेंट होता है. यानी कि अगर हम लोगों को DNA की सीक्वेंस बनानी है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है फॉर एन एग्जांपल ATGC, ठीक है, ये DNA है डबल स्टैंडर्ड. तो अब अगर मेरे को उसका RNA बनाना हो, तो RNA में ये सेम सीक्वेंस में T की जगह क्या प्रेजेंट होना चाहिए, U प्रेजेंट होना चाहिए. बस इतना डिफरेंस है, जहाँ जहाँ T होना चाहिए था उसकी जगह वहाँ पे U है. स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, सेम नहीं सिमिलर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पिरिमिडिन के सारे स्ट्रक्चर्स ही सिमिलर है. तो इससे स्ट्रक्चर इसका सिमिलर होगा, लेकिन तो भी RNA के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होगा और DNA के अंदर थायमिन प्रेजेंट होगा. अब इन सब चीज़ों में कुछ ध्यान देने वाली भी दो बातें हैं. कौन सी दो बातें हैं, वो ये है कि इसमें जो शुगर होगा वो हमेशा बीटा फॉर्म का होगा. मैंने आपको बताया था एक अल्फा और एक बीटा हो सकता है, इसमें हमेशा बीटा फॉर्म का शुगर होगा. दूसरी बात ध्यान देने की ये है कि थायामीन भी कुछ होता है, वो और ये थायामीन, ये दोनों अलग है. ये थायामीन इज अ विटामिन और ये थायमीन इज अ नाइट्रोजनस बेस. दोनों को मिक्स नहीं करना है हमको. ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको बोलेंगे कौन सा पिरिमिडिन है और ये दोनों होगा या ये दोनों नहीं होगा. मान लो थायामीन होगा और यूरेसिल होगा, आपने तो यूरेसिल किया ही नहीं, मान लो कि साइटोसिन थायमीन किया, तो आप ये थायामीन ये मार्क करके आओगे, जो कि गलत है. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिरिमिडिन, तो ऑप्शन रखेंगे एडिनिन, गुआनिन, थायामीन और यूरेसिल. तो कुछ महान होशियार लोग सोचेंगे कि थायामीन तो है बराबर है, यूरेसिल उनने पढ़ा ही नहीं है. बिल्कुल भी नहीं, थायामीन या अलग है और थायमीन अलग है. तो क्वेश्चंस में ऐसे स्पेलिंग का ये लोग ट्रिक करते ही करते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा DNA का स्ट्रक्चर, किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करोगे. आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ, स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे. ये तो बहुत ही ऐसे है ना, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर मैंने बताया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है DNA, ठीक है ना. तो फिर से मैं बोलती हूँ, न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड से बना होगा DNA. और न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी दो चीज़ें होती है, एक फॉस्फेट और साइड में कौन होगा, न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड दो कंपोनेंट से बना होता है, एक शुगर एक नाइट्रोजनस बेस. शुगर अगर RNA है तो राइबो शुगर प्रेजेंट होगा, DNA तो डीऑक्सीराइबो शुगर प्रेजेंट होगा, पर दोनों बीटा फॉर्म में होना चाहिए, अल्फा फॉर्म में नहीं. ठीक है, नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्यूरिन और पिरिमिडिन. प्यूरिन वो एडिनिन और गुआनिन AG, पिरिमिडिन CUT, कट. ऐसे याद रखो कि पिरामिड को कट करना है, तो साइटोसिन यूरेसिल और थायमिन. पिरामिड को हम कट करेंगे तो ये तीन, और A और G ये प्यूरिन है, एकदम प्योर लोग है, AG ऐसा प्योर है, ऐसे याद रख सकते हो. ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है स्ट्रक्चर. अब आगे हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो पहली बात, तो दो टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन. ठीक है,
प्यूरिन क्योंकि नाम छोटा है इसलिए इसकी जो रिंग होगी वो बड़ी होगी, तो ये है हीट्रोसाइक्लिक रिंग। पहली बात तो नाइट्रोजनस बेस रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हीट्रोसाइक्लिक मतलब एक से ज़्यादा रिंग, पिरिमिडिन में सिंगल रिंग, मोनोसाइक्लिक तो मोनोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। प्यूरिन 9 मेंबर्ड और नाइट्रोजन प्रेजेंट एट, ये सब अभी समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, इसमें 6 मेंबर्ड और नाइट्रोजन प्रेजेंट एट 1 और 3। चलो अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो सब समझ में आने लगेगा। मैंने क्या लिखा है, हीट्रोसाइक्लिक यानी कि कितनी रिंग्स प्रेजेंट होनी चाहिए, एक से ज़्यादा, तो मैं 2 बनाने की इच्छा रखती हूँ। ऐसा नहीं है इच्छा सच में 2 ही बनानी है, अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं चलता। ये बन गई हमारी प्यूरिन, बनी नहीं मतलब थोड़ी सी बाकी है अभी, थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, और ये बन गया हमारा पिरिमिडिन। अब आप ऐसे याद रख सकते हो पिरिमिडिन नाम बड़ा है इसलिए इसकी रिंग कंपैरेटिवली इसके छोटी होगी, प्यूरिन नाम छोटा है इसलिए इसकी रिंग बड़ी होगी, ठीक है। अब हम लोग इसको 9 मेंबर्ड है, 9 मेंबर्ड कैसे हुई, हम जो बड़ी रिंग है इसमें उसमें जो नंबरिंग होगी वो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, और जो छोटी रिंग है उसमें जाएगी क्लॉकवाइज। इसमें तो छोटी ही रिंग है, बड़ी छोटी क्या एक ही रिंग है, तो ये इससे तो छोटी है ना, तो इसलिए इसमें जाएगी क्लॉकवाइज। अगर आपको ये नंबरिंग आ गई ना तो आपका सब ऐसे ज़िंदगी एकदम आसान हो जाएगी। नंबरिंग देखो, यहाँ से मैं चालू करूँगी 1, अब कैसे जाना है मुझे, ऐसे जाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ख़त्म हो गई। अब यहाँ वाली रिंग ख़त्म हो गई, अब ये वाली रिंग करूँगी, तो मैं इसको ऐसे जाना है, तो 6 के बाद इधर 7, 8, 9 मेंबर हो गए। इसमें मैं यहाँ से चालू करूँगी और जाना कैसे मुझे, ऐसे क्लॉकवाइज, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो ईजी है। तो मैं वही बोल रही हूँ, इसमें अगर आपको नंबरिंग आ गई ना तो आप इसका स्ट्रक्चर बहुत ईजीली बना पाओगे, चाहे वो कोई भी है प्यूरिन हो या कोई भी पिरामिडिन हो। तो हमने क्या कर लिया, 2 पॉइंट कर लिए, एक तो ये हीट्रोसाइक्लिक रिंग है एक से ज़्यादा है, और प्लस दोनों अलग अलग नंबर ऑफ मेंबर्स की है, ये 6 है और ये 1, 2, 3, 4, 5 की है। पिरामिडिन सिर्फ एक ही रिंग है तो मोनोसाइक्लिक रिंग, ये 9 मेंबर है। कैसे मैंने करा 9, यहाँ से 1 चालू करो, कहाँ से नंबरिंग चालू करने ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी, आप अपनी मर्जी से कहीं से भी चालू नहीं कर सकते। तो यहाँ से चालू करो पहले एंटी क्लॉकवाइज, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब जो बचा हुआ है वो सब क्लॉकवाइज जाना है, इसको वापस नंबर मत देना 4 और 5 को, तो 7, 8, 9 इसमें नीचे से चालू करो और शांति से क्लॉकवाइज पूरा ख़त्म कर दो। अब इसमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, 1, 3, 7, 9 तो 1 पे मैं इधर नाइट्रोजन लगा देती हूँ, 3 नंबर पे इधर नाइट्रोजन लगा देती हूँ, 7 पे नाइट्रोजन लगा देती हूँ, 9 पे नाइट्रोजन लगा देती हूँ, सारे ऑड नंबर्स एक्सेप्ट 5 यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन कहाँ पे है, सिर्फ 1 और 3 पे, तो इधर नाइट्रोजन लगा दो। तो बेसिक प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा दिखेगा, बेसिक पिरिमिडिन का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा दिखेगा, कंप्लीट, समझे। वापस थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी, सिर्फ स्ट्रक्चर यहीं तक ही पढ़ाऊँगी, मतलब इसके आगे एडिनिन गुआनिन वगैरह का स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगी, बस ध्यान से सुनना। प्यूरिन हीट्रोसाइक्लिक रिंग मतलब ज़्यादा और अलग अलग नंबर्स की, पिरिमिडिन में एक ही रिंग है, इसमें 9 मेंबर है। हम नेमिंग कैसे, मेंबर्स का नंबरिंग कैसे चालू करेंगे, लेफ्ट साइड से 1 से चालू करेंगे, और 1 पहले एंटी क्लॉकवाइज, 2, 3, 4, 5, 6 अब जो बचा, जो पॉइंट्स जो कॉर्नर्स बचे वो क्लॉकवाइज, 7, 8, 9 इसमें नीचे 1 लिखेंगे और 1 से पूरा क्लॉकवाइज जाते हुए 6 नंबर पूरे कर देंगे। इसमें नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, सारे ऑड नंबर्स एक्सेप्ट 5, इसमें 1 और 3 पे, इसमें भी 5 के अलावा सारे ऑड नंबर्स में प्रेजेंट है, तो 1, 3, 7, 9 और 1 और 5, 1 और 3, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारा पूरा हुआ। अब हम इंडिविजुअली सारे नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं, ए जी प्योर लोग हैं, तो एडिनिन और गुआनिन, और हमको किसको, पिरामिड को कट करना है, तो साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, तो उसके हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। तो हम इंडिविजुअली सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं।
पहले मैं जैसे एडिनिन और गुआनिन है तो उसमें प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाऊंगी और फिर बाद में उसमें मॉडिफिकेशन करूंगी। तो आप भी पहले उतना तो कर दो। ओके, एडिनिन इज अ प्यूरिन, तो हीट्रोसाइक्लिक रिंग बनाओ। बना दी, इसमें नंबरिंग करो 1, फिर इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, कहाँ कहाँ पे नाइट्रोजन होगा? 1 पे, 3 पे, 7 पे, 9 पे, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बना देते हैं। सेम ग्वानिन का इतना स्ट्रक्चर बना देते हैं, हीट्रोसाइक्लिक रिंग। इसकी नंबरिंग और फिर नाइट्रोजन, ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर हुआ। अब पिरिमिडिन में कैसी रिंग है? मोनोसाइक्लिक, तो मोनोसाइक्लिक रिंग बनाओ। इसमें भी नंबरिंग, इसकी नंबरिंग तो बहुत इजी है, नीचे 1 से शुरू करो और 6 पे खत्म हो गए। इसमें भी 1 से शुरू करो, 6 पे खत्म करो क्लॉकवाइज। ठीक है, कहाँ कहाँ पे नाइट्रोजन होगा? 1 पे और 3 पे। ठीक है, ये हमारा प्यूरिन और पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर नहीं हुआ कंप्लीट, मतलब प्यूरिन पिरिमिडिन का हो गया, एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरैसिल थायमिन का नहीं हुआ। तो अब हमको इसी स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन करनी है, तो हमारे ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। तो किस में क्या मॉडिफिकेशन करेंगे वो मैं साथ में नाम भी लिखती जाऊंगी। तो एडिनिन में क्या होगा? एडिनिन के स्ट्रक्चर में होगा 6-अमाइनो प्यूरिन, यानी कि प्यूरिन के स्ट्रक्चर में 6th वाला जो कार्बन है उस पर अमाइनो ग्रुप, तो लगा दो 6th वाला कार्बन पे NH2। ये कंप्लीट हुआ प्यूरिन का स्ट्रक्चर। अब ग्वानिन में, तो ग्वानिन में क्या करना है? NH2 को 2 पे शिफ्ट कर देना है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देना है, यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी? अमाइनो, तो क्या हुआ? 2 अमाइनो। 6 पे मैं डबल बॉन्ड O लगाऊंगी, डबल बॉन्ड O का मतलब ऑक्सी, तो 6-ऑक्सी प्यूरिन। ये है हमारा ग्वानिन का स्ट्रक्चर, सिंपल। इसमें हमने 6 पे अमाइनो लगाया, इसमें 6 की जगह 2 पे शिफ्ट किया और 6 पे हम लोग ने डबल बॉन्ड O लगा दिया। डबल बॉन्ड O को हम ऑक्सी करेंगे और अमाइनो तो अमाइनो है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर खत्म, बस बिल्कुल और कुछ मॉडिफिकेशन नहीं। अब साइटोसिन, साइटोसिन में हम क्या करेंगे? अमाइनो लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे हम अमाइनो? 4 पे हम लगाएंगे अमाइनो, तो इधर लिखो 4-अमाइनो, और 2 पे लगाएंगे ऑक्सी। हमने यहाँ पर जो किया था ना उसका एग्जैक्टली अपोजिट हम इधर साइटोसिन पे करेंगे, 4-अमाइनो 2-ऑक्सी पिरिमिडिन। ये है हमारा साइटोसिन का स्ट्रक्चर, बस और कुछ नहीं। फिर इसमें, अब साइटोसिन में इधर ऑक्सी है इधर अमाइनो है, तो हम यूरेसिल में क्या करेंगे? दोनों को ऑक्सी कर देंगे, 2 पे भी ऑक्सी कर देंगे, 4 पे भी ऑक्सी कर देंगे, तो क्या हुआ? 2-4-डाइऑक्सी पिरिमिडिन। यहाँ पे
हमने क्या किया था, सिक्स पे अमाइनो लगाया था खाली, फिर इधर अमाइनो को टू पे शिफ्ट करके ऑक्सी लगा दिया टू सिक्स पे, इधर उसका एग्जैक्टली अपोजिट, जहाँ एन एच टू था वहाँ ऑक्सी, जहाँ ऑक्सी था वहाँ एन एच टू, वो इधर कर दिया, तो आया फोर अमाइनो टू ऑक्सी पिरिमिडिन। इसमें दोनों ही जगह ऑक्सी कर दिया, पहले एन एच टू से चालू किया तो दोनों जगह ऑक्सी हो गया, तो क्या हुआ टू फोर डाइऑक्सी पिरिमिडिन। अब इसमें भी सेम टू सेम थायमिन वैसा ही रहेगा, बस एक्स्ट्रा क्या होगा हमारा एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, कहाँ पर ऐड होगा फिफ्थ कार्बन पे। यही एक ऐसा सब्सटीट्यूशन है जो कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन पे होगा, तो मतलब मैं सिमिलर स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर यूरेसिल का तो बना दूँ टू और फोर पे, पर फाइव पे मुझे सिर्फ क्या करना है सी एच थ्री ऐड करना है। तो इसका नाम क्या हुआ, सेम टू फोर डाइऑक्सी फाइव मिथाइल पिरिमिडिन, ये है हमारा थायमिन का स्ट्रक्चर। अब आप अच्छे से नोटिस करो तो इसके और इसके में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है जो कि है सी एच थ्री, तो इसीलिए थायमिन को बोलते हैं मिथाइलेटेड यूरेसिल। इम्पॉर्टेंट अगेन एडिनिन का स्ट्रक्चर, पहले तो पिरिमिडिन और प्यूरिन का स्ट्रक्चर समय बना दिया, एडिनिन के स्ट्रक्चर में फोर्थ कार्बन पे, सॉरी सिक्स्थ कार्बन पे NH2, इसमें NH2 को टू पे शिफ्ट करके ऑक्सी लगा दिया सिक्स्थ कार्बन पे। सेम को अगर ग्वानिन को अपोजिट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, सीरीज यही रखना तो ही डायग्राम याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे, सब मिक्स हो जाएगा। तो ऊपर NH2 नीचे डबल बॉन्डो, अब दोनों ही जगह डबल बॉन्डो कर दिया, तो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, यहाँ पे सेम डबल बॉन्डो रहेंगे, लेकिन हमको तो ये पता है यूरेसिल थायमिन सेम है, खाली एक ही चीज़ का डिफरेंस है वो कि फिफ्थ नंबर पे CH3 ग्रुप। तो ये क्योंकि ऑड नंबर पे CH3 आया इसलिए ये इंपॉर्टेंस देता है और इसीलिए इसका नाम हो गया मिथाइलेटेड यूरेसिल। तो बस इसी से सारे के सारे हमारे जो भी है नाइट्रोजनस बेस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं करूँगी, बहुत लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर से, जिसमें मैं ये भी एक बार आपसे पूछूंगी, रिवाइज कराऊंगी, उसके बाद हम आगे डीएनए के स्ट्रक्चर पर पढ़ेंगे। तो विद दिस आई विल कंप्लीट टुडेज लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ लेना आगे का, बुक से पढ़ लेना और क्वेश्चंस लगा लेना, इंपॉर्टेंट है सब। तो बाय बाय।